हेलो चिल्ड्रन हाउ आर यू यू मस्ट बी हैविंग ए वेरी हैप्पी हैप्पी टाइम टुडे वी आर गोइंग टू रीड द चैप्टर द फूड वी ईट हम सब फूड खाते हैं ब्रेकफास्ट में खाते हैं लंच में लेते हैं फिर रात में डिनर में लेते हैं और भी, भी बहुत सारी चीजें ईट करते ही रहते हैं तो यहाँ ये यह पूरा चैप्टर फूड के बारे में है चलिए देखते हैं यहाँ इस पिक्चर में लंच ब्रेक दिखाया हो ये स्कूल का प्लेग्राउंड है और आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे चिल्ड्रन बैठ के अपना लंच कर रहे हैं अब ये कुछ ना बातचीत भी कर रहे हैं ये यह जो यहाँ पर बने हुए हैं ये बॉक्सेस इनमें इनकी ब, आ, क्या बात कर रहे हैं वो लिखी हुई है चलिए हम भी देखते हैं क्या बात कर रहे हैं ये अब ये गर्ल कह रही है जिसकी तरफ ये एरो गर्ल तो कह रही है आई हैव पूरी आलू सब्जी कि मेरे पास पूरी के साथ आलू की सब्जी है अब ये बॉय कहता है आई हैव रोटी विद सब्जी कि मेरे पास रोटी सब्जी है ये कह रहा है आई फ्रूट्स ये कह रही है आई हैव गॉड ये कहती है आई गॉट इडली विद चटनी आपने देखा इन थ्री चिल्ड्रन ने आई हैव बोला आपके पास जो भी कुछ चीज होती है उसके लिए आप हाई आई हैव लगा के बोलेंगे और आई गॉट भी लगा सकते हैं मुझे मिली है गॉट का मतलब है मुझे मिली है हैव का मतलब होता है मेरे पास है आई हैव ब्रॉट मैं लाई हूँ हैव के बाद ब्रॉट लगा तो लाई हूं मैं लाई हूँ गोभी पराठा। अब ये कहता है आई हैव चीला इन माई बॉक्स मेरे बॉक्स में चीला है गर्ल क्या कह रही है माई मदर इज सिक नो लंच फॉर मी सिक का मतलब क्या होता है बीमार कि मेरी मम्मी सिक हैं, बीमार हैं। और जब बीमार होते हैं सिख होते हैं तो काम नहीं होता ना वर्क नहीं कर सकते ना तो उसकी मम्मी ने लंच प्रिपेयर नहीं किया तो इसलिए कह रही है नो लंच फॉर मी। ये ये जो हैं, इसको अपना खाना ऑफर कर रहे हैं, आपको भी जब किसी के साथ बैठते हैं या घर में कोई नई चीज आती है कुछ खा रहे हैं तो दूसरों को ऑफर करना चाहिए तो तब क्या बोलते हैं व हैव माई पराठा मान लीजिए आपके पास टॉफी है दो टॉफी है तो हैव अ टॉफी ने इसको कहा है have my paratha, मेरा पराठा ले लो अब ये ल, गर्ल कहती है टेक माई चिल्ला इसनेव के बजाय क्या यूज किया है टेक टेक का मतलब भी लेना होता है तो टेक भी लगा सकते हैं टेक माई चिल्ला टेक माई पराठा टेक माई पूरी टेक माई सब्जी ऐसे बोलना चाहिए अब ये ल, गर्ल क्या कह रही है थैंक यू जब आपको कोई चीज ऑफर करता है तो तब आपको क्या कहना चाहिए थैंक यू साइट वर्ड्स हैं फ्रॉम से इसका मतलब होता है से जैसे मुझसे फ्रॉम मी मार्केट से फ्रॉम द मार्केट फोर का मतलब होता है लिए फॉर मी मेरे लिए फॉर मेरी सिस्टर के लिए फॉर my फादर मेरे फादर के लिए फॉर my फ्रेंड मेरे फ्रेंड के लिए them उन्हें आई हेल्प them, them का मतलब उनकी या उन्हें होता है their उनके दे वे ये कैसे बनता है ये तीन फॉर्म होती हैं दे देम और देयर दे का मतलब वे देम का मतलब उन्हें देर का मतलब उनका या अपना हैज ये पास में होने के लिए आता है ये एक के लिए आता है माई सिस्टर हैज ए पेन माई फादर हैज ए कार माई मम्मी हैज ए स्कूटी शी गर्ल के लिए आता है तो शी इज ए गर्ल शी इज माई मम्मी वो मेरी मम्मी है शी इज माई सिस्टर वो मेरी सिस्टर है ऐसे हैव का मतलब भी होता है ले लीजिए या फिर पास में है जैसे आई हैव है समोसा मेरे पास समोसा है एक अब मैं तुम्हें कहती हूँ तुम समोसा ले लो तो समोसा ऐसे यूज होता है अब ये न्यू वर्ड्स वर्ड है थैंक यू का मतलब जानते हैं कोई भी कुछ कर रहा है हमारे लिए हमें दे रहा है तो हमें थैंक यू कहना चाहिए धन्यवाद होता है इसका मतलब शेयर हमें अपनी चीजें दूसरों से शेयर करनी चाहिए वी शुड शेयर अवर फूड वी शुड अवर शेयर अवर टॉय वी शुड शेयर अवर थिंग्स लंच आई हैव माई लंच इन स्कूल मैं अपना लंच स्कूल में लेती हूँ सिक बीमार कभी कभी कोई भी बीमार हो जाता है ना. माई मदर इज सिक इसमें आया माई पापा इज सिक मेरे पापा बीमार है माई फ्रेंड इज सिक मेरी फ्रेंड बीमार है और माई अंकल इज सिक मेरे अंकल बीमार है मेरी दादी बीमार है माई ग्रैंड माई सिख तो ऐसे सेंटेंस बनाते हैं फ्रूट्स आई लव फ्रूट्स मुझे फ्रूट्स अच्छे लगते हैं टुडे आज स्माइलिंग मुस्कुराना माय फ्रेंड इज स्माइलिंग मेरी फ्रेंड स्माइल कर रही है माय मम्मी इज स्माइलिंग मेरी मम्मी स्माइल कर रही है ऐसे सेंटेंस बनाना सीखना चाहिए बनाने चाहिए तब आपको अच्छे से पढ़ना और समझना आ जाएगा वेयर वेयर का मतलब क्या होता है कहा Do you sit? आप कहां बैठते हैं वेन वेन का मतलब है जब यू हैव लंच एट स्कूल जब आप स्कूल में लंच करते हैं आई सिट इन क्लासरूम और अगर सेकंड क्वेश्चन है हाउ डू यू शेयर योर फूड विद योर फ्रेंड्स आप अपने फ्रेंड के साथ फूड कैसे शेयर करते हैं आई ऑफर देम फूड फ्रॉम माय लंच बॉक्स मैं अपने लंच बॉक्स से उन्हें फूड ऑफर करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हेन यू वर हंगरी हंगरी का मतलब होता है भूखे जब आप भूखे थे डिड एनी वन शेयर फूड विद यू क्या किसी ने आपके साथ फूड शेयर किया यस माई फ्रेंड शेयर्ड फूड विद मी मेरे साथ अपना फूड शेयर किया नाउ वी विल सी नेक्स्ट एक्सरसाइज Think of words for the pictures and read aloud यहाँ पर कुछ pictures दी हैं उन्हें आपको सोचना फिर पढ़ना है जोर से We eat fruits यहाँ fruits बने हुए हैं ना तो we will write fruits ये vegetables हैं यहाँ लिखेंगे vegetables We eat fruits and vegetables विच फार्मर्स ग्रो जिन्हें फार्मर्स ग्रो करते हैं जो लोग चीजों को फूड को खेत में उगाते हैं उन्हें फार्मर्स कहते हैं किसान सम का मतलब होता है कुछ सम फार्मर्स की बिहाइव जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसे बिहाइव कहते हैं अगर पिक्चर में वन चीज बनी है तो आपको सिंगुलर लिखना है अगर बहुत सारी बनी है तो प्लूरल लिखना है जैसे फ्रूट बहुत सारे थे तो हमने फ्रूट्स राइट किया वेजिटेबल्स बहुत सारी थी तो वेजिटेबल्स लिखा बिहाइव एक है तो हम बिहाइव नहीं बिहाइव ही लिखेंगे मतलब क्या होता है हम वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज हनी बीज मधुमक्खियों से यहाँ बीज लिखेंगे क्योंकि ये बहुत सारी हैं ये ये लोग हैं लोगों को कहते हैं पीपल सम पीपल की काउज कुछ लोग गाय रखते हैं वी गेट मिल्क फ्रॉम काउज काउज से हमें मिल्क मिलता है वी गेट कर्ड्स कर्ड क्या होती है दही एंड बटर फ्रॉम द मिल्क और मिल्क से हमें बटर और दही मिलते हैं वी शुड से थैंक यू टू फार्मर्स क्योंकि फार्मर्स तो वो उगाते हैं खाना फार्मर्स एंड काउज हमें काउज को और फार्मर्स को थैंक यू कहना चाहिए लेट अस स्पीक यहाँ बहुत सारे खाने की चीजें हैं चलिए उनको पढ़ते हैं इडली विद चटनी टोमेटो सूप समोसा छोले भटूरे और ये है सांभर डोसा सांभर डोसा और ये क्या दिया है पराठा पराठा एंड वट इज दिस ये है गुंजिया गुंजिया एंड लड्डूज़ ये लड्डू हैं पूरी विद सब्जी और ये क्या है पुलाव विद दाल राइस एंड दाल भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर और ये है कपकेक्स। और ये जलेबी जलेबी और यह है उत्पम जो साउथ में खाया जाता है और यह है मोमोज और यह चीला विद चटनी नेम द फूड आइटम्स यू इन द पिक्चर हमने सब आपको बता दिए हैं विच इज फेवरेट स्वीट आपकी फेवरेट स्वीट कौन सी है जलेबी है तो आप कैसे बनाएंगे योर का माई बनाइए माई फेवरेट स्वीट इज जलेबी लड्डू होता है लड्डू लिख दीजिए का मतलब होता है कौन हू होम घर में फूड कौन कुक करता है बहू हटाइए उसकी जगह लिखिए मम्मी मम्मी कुक्स फूड एट होम डू यू पिकअप पिकअप का मतलब है उठाना प्लेट आफ्टर ए मील मील का मतलब होता है खाना फूड लंच क्या खाने के बाद आप प्लेट खुद उठाते हैं यस yes. तो शुरू में यस लिखिए यस कोमा लगाइए यस आई पिकअप फिर योर का माई करिए माई प्लेट आफ्टर मील खाने के बाद मैं अपनी प्लेट उठाता हूं अच्छी हैबिट इट है, इज ए वेरी गुड हैबिट अब देखो यहाँ फूड आइटम को मैच करना है शेप से अब ये देखो पराठा है पराठे की शेप राउंड होती है अब ये ब्रेड है ब्रेड की स्क्वायर होती है समोसा ट्रायंगल होता है से से द नेम सो वी स्पेशल डिश यू ईट एट होम ओन स्पेशल डिश के नाम बोलिए जरा जो आप घर में ईट करते हैं ड्रो एंड कलर देम सी व्हाट अदर्स हैव ड्रॉन आपको पराठा अच्छा लगता है ये गोभी पराठा हो सकता है तो गोभी लिख दीजिए इससे पहले गोभी पराठा ये सब्जी है ये सब्जी किसकी है ये स्पिनच की है तो इसे आप सब्जी भी कह सकते हैं और ये समोसा है चलिए फन विद वर्ड्स। लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड्स ये आपको सुनने हैं। दैट टीचर विल रीड आउट। टीचर जोर से पढ़िए नॉट इज दैट दे हैव ओनली वन सिलेबल सिलेबल का मतलब होता है जब हम वर्ड बोलते हैं तो ये साउंड एक ही बार में बाहर निकल जाती है मैन से वर्ड एंड क्लैप वंस फूड अब ऐसा तो नहीं बोलते सिट तो इनमें हम सिलेबल है नाउ से दीज वर्ड्स दीज वर्ड है मर ऐसे बोलते हैं ना तो इसमें दो साउंड निकलती है हमारी तो एक साउंड एक सिलेबल होगी दूसरी दूसरी होगी तो टू सिलेबल्स है इसमें फार मर कैर रट कैर रट मार केट ब्रिन जल मैन गो ब्रेक फास्ट डिन तो ये टू सिलेबल्स है मैच द फॉलोइंग इमेजेस टू द सेंटेंसेस चलिए यहाँ सेंटेंसेस भी हैं और इमेजेस भी हैं ये देखिए कैप है दिस इज अ पर्पल कैप पर्पल कलर है ना और ये काउ है दिस काउ इज ब्राउन और ये लंच है दिस इज माय लंच और ये जीप है दिस इज अ ग्रीन जीप और ये फोर ऑरेंजेस हैं दीज आर फोर ऑरेंजेस अब ये रीडल्स हैं आई एम मैं फ्रूट मैं एक फ्रूट हूं माई नेम इज माई कलर मेरा नाम मेरा कलर ही हैलर भी होता है और ऑरेंज फ्रूट ऑरेंज कलर का ही होता है आई एम हार्ड एंड ब्राउन ऑन द आउट बाहर तो मैं ब्राउन होता हूँ सॉफ्ट एंड व्हाइट इन साइड वो एम आई कोकोनट ऊपर से ब्राउन होता है ना अंदर से व्हाइट होता है आई एम ए वेजिटेबल आई एम पिंक इन कलर में कलर में पिंक होता हूँ आई मे ऑल्सो भी व्हाइट इन कलर कभी कभी वाइट भी होता हूँ इफ यू कट मी आई मे क्यू करो लगते हो वो एम आई अनियन प्याज को कहते हैं आई मे फ्रूट आई काम इन ग्रीन और पर्पल आई काम इन ए बंज वो एम आई आई एम ग्रेप्स Thank you for watching the video.